हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। 26 अप्रैल 2024 को गूगल एल्गोरिथम ने कुछ अपडेट दिया है। उस अपडेट के हो जाने के बाद पूरे SEO के सिस्टम को हिला के रख दिया है, क्योंकि SEO के जो लोग SEO कर रहे थे उन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। सबकी रैंकिंग हटा दी गई है, वेबसाइट को रीइंडेक्स कर दिया गया, इंडेक्सिंग हटा दी गई है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो क्या अपडेट है, तो मैं आपको पीसी स्क्रीन विलेज के सभी अपडेट दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या अपडेट है। आप ये अब इस तरीके से वर्क करना, नहीं तो आपकी वेबसाइट भी इंडेक्सिंग सेट जाएगी, गूगल से क्रॉल करना बंद कर देगा। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ पीसी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अगर आप इस चैनल को लाइक करते हैं, आपको मेरी सभी वीडियो अच्छी लगती है और आप कुछ नया सीखते हो यहाँ से, तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा पीसी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ आपको लाइव दिखाता हूँ। हेलो गाइस, हम आ गए अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे आप टाइटल समझ के समझ जाओगे कि क्या अपडेट आई है। न्यू वे वी आर ट्रैकलिंग स्पैमी लो क्वालिटी कंटेंट ऑन सर्च। ठीक है भाई, लोग जो कंटेंट को सर्च कर, जो कंटेंट को चेक करने का वे था, जो कंटेंट को ट्रैक करता था गूगल, अब किस तरीके से कर रहा है वो सब चीज़ें इसमें बताई हुई है। ठीक है, तो ये देखो, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हुई हैं। आप देख सकते हो इसमें क्या क्या है, रिड्यूसिंग लो क्वालिटी, ये सब चीज़ें बताई हुई हैं इसमें। ठीक है, पर आपको मैं वन बाय वन लाइन बाय समझाऊंगा तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको पहले पढ़ लिया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें मेनली क्या अपडेट आई है। ठीक है, जो सबसे मेन अपडेट आई है इसकी, सबसे मेन अपडेट है कि जैसे कि जो कंटेंट होते हैं, जैसे आपकी ब्लॉग की वेबसाइटें हैं, आज के टाइम में आपको पता है कॉन्टेंट मार्केटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। जो ब्लॉग की वेबसाइटें हैं उन पर किस तरह के कॉन्टेंट डाले जा रहे हैं, अगर आप वेबसाइट से डायरेक्ट ओपन एआई से कंटेंट लिख रहे हो, ओपन एआई से कंटेंट लिखने के बाद एकदम उसे अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हो, तो आप रेगुलर यही वर्क कर रहे हो, तो आप किसी वेबसाइट को इंडेक्सिंग से हटा दिया जाएगा और गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट की पूरी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे मेन अपडेट आई है, क्योंकि जब से ओपन एआई है कॉन्टेंट की डिमांड काफ़ी कम हो चुकी है, कॉन्टेंट सब अब पीपल अपना बना लेते हैं, पर इस अपडेट के अकॉर्डिंग अब कॉन्टेंट की डिमांड दोबारा इंक्रीज होगी, तो सभी अब अच्छी क्वालिटी कॉन्टेंट लिखाएंगे। तो AI से लिखे जो कंटेंट आपने लिखे हैं, ओपन AI से गूगल उन वेबसाइटों को इंडेक्सिंग से हटा देगा, उन वेबसाइट के जो आप कंटेंट पोस्ट करोगे उनको इंडेक्स ही नहीं करेगा, ना वेबसाइट को रैंक करेगा, मतलब वेबसाइट क्रोलिंग खत्म कर देगा, उसकी रैंकिंग हटा देगा, मतलब वेबसाइट ही खत्म हो जाएगी वो। ठीक है, एक तो सबसे मेन अपडेट आई है कि हमने जो कंटेंट लिखना है वो अपने मैनुअल लिखना है, मैनुअली लिखो, ओपन AI का यूज करो पर कम करो, ज्यादा यूज मत करो, ज्यादातर मैनुअली लिखो। ठीक है, क्योंकि आधे लोग मैं देखता हूँ मेरे साथ में, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं रेगुलर ओपन AI से कंटेंट डाल रहा हूँ तो उसका क्या फ़ायदा है मेरा, उसका नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता उसको। ठीक है, अभी अपडेट आई है ना, अप्रैल 26 2024 में अपडेट आई है, मैं इसको टाइम दिखा देता हूँ, ये देखो ये इसकी अपडेट आई हुई है इस टाइम की। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, मैं इसको समझा रहा हूँ। सबसे पहली अपडेट तो ये हो गई हमारी, ये उसके बाद जो है, उसके बाद एक अपडेट इसने और दी है, अगर कोई वेबसाइट रैंकिंग के लिए स्पैमी बैकलिंक्स का यूज़ कर रही है, मतलब लो क्वालिटी वेबसाइट से बैकलिंक बना रही है, जैसे कि मैं हर वीडियो में पहले स्टार्टिंग से ही बोलता था और अब भी बोल रहा हूँ, अगर कोई वेबसाइट लो क्वालिटी बैकलिंक्स बना रही है, जिसकी डोमेन रेटिंग 30 से कम है और स्पैम स्कोर ज़्यादा है या स्पैम स्कोर जीरो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसके उस वेबसाइट और लिंक नहीं बनाने, क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में एक ही बात बोलता था कि डोमेन रेटिंग 30 से ऊपर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कम है तो आपको नुकसान है इस चीज़ को लेके, तो वही चीज़ गूगल ने भी अपडेट कर दी है कि अगर आपकी वेबसाइट, जिन वेबसाइटों से आप बैक लिंक्स ले रहे हो उसकी क्वालिटी पुअर है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग को हटा दिया जाएगा, आपकी वेबसाइट को जो बैक लिंक्स आप बना रहे हो बैक लिंक्स क्रॉल नहीं होंगे, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, और ये जो अगर जो ज़्यादा स्पैमी बैक लिंक बनाए हो तो आपकी वेबसाइट को पेनल्टी मिल सकती है, आपकी वेबसाइट सर्च इंजन पर बैन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसने बता दिया है, क्योंकि क्या करते हैं, बस बैक लिंक बनाते रहते हैं, जितने बैक लिंक बनाएंगे उतनी रैंकिंग स्पीड होगी, तो ऐसे ही प्रोसेस बिल्कुल गलत होता है, मैंने 50 बार इस बात को बोल दिया, ये प्रोसेस बिल्कुल गलत होता है, हमें कभी भी इस टाइप के बैकलिंग नहीं बनाने चाहिए जिसकी क्वालिटी पुअर हो, और वही चीज़ के कारण आज सभी जो SEO के पर्सन हैं सब हिल चुके हैं इस अपडेट के कारण, क्योंकि मोस्टली अब ओपन AI से कॉन्टेंट डाल रहे हैं और दबा दब उसे बैकलिंक बना रहे हैं, तो वो सब सिस्टम चेंज कर दिया, अब लगभग सबकी रैंकिंग हट चुकी है, जिसकी रैंकिंग अभी तक नहीं हटी वो शुक्र मनाओ कि मेरी रैंकिंग अभी तक नहीं हटी, मोस्टली सभी वेबसाइटों की रैंकिंग हट चुकी है, तो अपने वर्क करने का तरीके
तरीके को बदलो और आप गूगल पे जो अपडेट देता है उस पर अपडेट रहा करो, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था उसने वेबसाइट बनाई हुई थी, उसकी वेबसाइट पे उसकी वेबसाइट ला ब्लॉग की वेबसाइट थी, उसने अभी मुझसे कॉन्टैक्ट किया है पीछे कुछ दिनों से पहले, तो मैंने अपडेट को पढ़ा है, तो फिर मैंने उससे एक दिन वीडियो बनाई कि आप सबको बताऊँ मैं, ठीक है। तो उसकी जो ला की ब्लॉग की वेबसाइट थी काफ़ी अच्छी ट्रैफिक था, वो US में रैंक वो रखी थी, उसके 500 कीवर्ड रैंक थे, अच्छा ट्रैफिक आ रहा था, लगभग ऐसा हुआ उसके सिर्फ 3 कीवर्ड रैंक पे रह गए हैं और सारे हट गए हैं, ठीक है। तो फिर मैंने उसको सोल्यूशन दिया है कि आप अपडेट देखो, जो अपडेट आई है 26 अप्रैल 2024 को, तो आपने ओपन AI से कंटेंट जनरेट किया, तो उसने सेम वही बात कही कि हाँ सर हमने ओपन AI से कंटेंट जनरेट करते थे, तो उसका नतीजा उसने भुगत लिया। उसने ये बोला है कि मैं फाइवर से बैकलिंग लेता हूँ सर, $5 में 500 बैकलिंग ले लिए, वो लेता है, तो सब लो क्वालिटी बैकलिंग लेते हैं, तो ये तो उसको सिंपल प्रोसेस है, तो मैं समझा उसकी वेबसाइट को रैंकिंग हट नहीं था, तो इसको बड़ा ध्यान से अपडेट किया करो, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ आपके फ्यूचर के हिसाब से देता हूँ, मैं कुछ दिक्कत ना हो। मैं हमेशा ही कहता था कि डोमेन अथॉरिटी डोमेन रेटिंग 30 से ज़्यादा होनी चाहिए, उस वेबसाइट से कम पे बैकलिंग नहीं लेना है और हमेशा अपडेट रहना है, और सारा कंटेंट ओपन AI से नहीं लिखना है, उसको मैनुअल भी करना है, ठीक है। जो आपको पता लग गया गूगल 26 अप्रैल 2024 को क्या अपडेट आई है, अगर आप प्रॉपर SEO के कोर्स को सीखना चाहते हो, प्रॉपर SEO अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो, कंटेंट की क्वालिटी को किस तरीके से सुधारना चाहते हो, तो आप हमारे SEO बैचेज हमने स्टार्ट किए हैं उनको ज्वाइन करो, उनमें हम आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक SEO सिखाएंगे, और वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, हमें सिंपल इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करना है, सब पर्सनल डिटेल जो डिटेल है सब आपको नंबर पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये अपडेट मैंने आपको दिखा दिया क्या अपडेट आई है, तो इस अपडेट के कारण अब आगे से सुधर जाओ इस चीज़ को लेकर, कोई ओपन AI से कंटेंट जनरेट मत करो सारे, और उसके बाद कोई भी स्पैम वेबसाइट से बैकलिंक मत लो, ठीक है। नहीं तो जिसकी वेबसाइट रैंक नहीं हटी बाई चांस कोई वेबसाइट रह भी गई हो तो वो भी हट जाएगी रैंकिंग से, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इस अपडेट को समझ सके, ठीक है। और हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करो, वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट वेबसाइट लिस्ट शेयर करते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।